तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फास्ट ग्लू वॉल को फायर कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में मैं आपको ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप ग्लू वॉल को फास्टली फायर कर पाओगे, और साथ में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि भाई काफ़ी सारे प्लेयर्स करते हैं जिससे कि उनका कभी भी फास्ट ग्लू वॉल नहीं लग पाता है। तो चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंसिटिविटीज के बारे में बता देता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा टच रिस्पांस पहले से बेटर हो जाएगा। अगर आपका टच थोड़ा सा लेट होता है तो भाई वो नहीं होगा। तो सबसे पहली सेटिंग है पॉइंटर स्पीड, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। और सेकंड सेटिंग होगी हमारी, अगर आपके फ़ोन में गेमिंग मोड है तो वहाँ पे टच से रिलेटेड हमें दो सेंसिटिविटीज़ मिलती है, आप उन्हें इंक्रीज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूँ, अगर आप ये मिस्टेक्स अभी भी करते हो तो आपका वॉल अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो लगता होगा। तो पहली मिस्टेक है कि राइट फायर बटन से ग्लू वॉल को फायर करना। अगर आप अभी भी राइट फायर बटन का यूज़ करते हो ग्लू वॉल लगाने के लिए तो आप भाई अभी भी स्लो ग्लू वॉल लगाते हो। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट वॉल लगाता हूँ तो भाई वो गलत हो। तो सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक है ग्लू वॉल वाले बटन की गलत पोजीशन। अगर हम अपने ग्लू वॉल वाले बटन को गलत जगह पे सेट करके रखेंगे तो हम उसके ऊपर थोड़ा लेट टैप कर पाएंगे जिससे कि हमारी ग्लू वॉल स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो मैं आपको सही पोजीशन के बारे में बता देता हूँ। तो आपने अपने ग्लू वॉल वाले बटन को अपने थंब के जस्ट नीचे सेट कर देना जिससे कि आपको फायर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ टैप ही करना पड़े और आप एक ही टैप में ग्लू वॉल के ऊपर क्लिक कर पाओ और आपकी ग्लू वॉल आपके हाथ में आ जाए। उसके बाद आप क्राउच करने के बाद लेफ्ट राइट बटन से ग्लू वॉल को फायर कर दो, आपकी ग्लू वॉल बहुत ही ज़्यादा फास्टली लग जाएगी। तो आप मेरे हैंड कैम में भी देख सकते हो, मैंने अपने ग्लू वॉल वाले बटन को अपने थंब के जस्ट नीचे सेट करके रखा है, क्योंकि हमारा फ़ोन पकड़ने का एक स्टाइल होता है। जिस भी स्टाइल से आप अपने फ़ोन को होल्ड करते हो उसमें आप देखो कि आपका अंगूठा कहाँ पे सेट है, और आपने अपने ग्लू वॉल वाले बटन को उसी के नीचे सेट कर देना है। अब जितना जल्दी ग्लू वॉल के ऊपर टैप करोगे आपकी ग्लू वॉल स्पीड उतना ही इंक्रीज होगी। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी ग्लू वॉल को बिल्कुल पैरों के नीचे लगा सकते हो। अगर आप क्राउच नहीं भी करोगे तब भी आपकी ग्लू वॉल बिल्कुल पैरों के नीचे लगेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो एग्जांपल को आप अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो फायर करने के बाद जब हम अपने ग्लू वॉल वाले बटन के ऊपर टैप कर देंगे तो हमारा फायर वाला बटन फायर नहीं करेगा, उससे हम मूवमेंट कर पाएंगे। आप दोबारा से देख लो, ये मैंने फायर किया, फायर करने के बाद मैंने ग्लू वॉल वाले बटन के ऊपर टैप कर दिया और अभी मेरा जो फायर बटन है राइट फायर बटन वो मूवमेंट कर रहा है, उससे मैं इधर उधर हिला सकता हूँ। तो मैंने इसको सीधा नीचे को लेके आना है और उसके बाद ग्लू वॉल को फायर कर देना, और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट करके वहाँ से भाग जाना। आप मेरे हैंड कैम को देखो, जब मैं फायर करता हूँ फायर करने के बाद मैं अपने फायर बटन को छोड़ता नहीं हूँ, मैं ग्लू वॉल के ऊपर टैप करता हूँ, उसके बाद मैं अपने फायर बटन से ही इसको ग्लू वॉल को नीचे को ऊपर को ऐसे रोटेट करता हूँ, अपने फायर बटन को गोल गोल घुमाता हूँ। उसके बाद जब ग्लू वॉल लग जाता है उसके बाद मैं अपने फायर बटन को छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं स्क्रीन को कैमरे एंगल को इधर उधर घुमाता हूँ। पर इस ट्रिक के साथ एक सीन है कि अगर आप अपने क्राउच वाले बटन को राइट साइड यूज़ करते हो तब आप इस ट्रिक का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, पर अगर आप राइट साइड यूज़ करते हो अपने क्राउच वाले बटन को तो मैं आपको एक और टिप बता देता हूँ। आप खड़े खड़े ग्लू वॉल को लगा सकते हो, क्राउच करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने फायर बटन को बिल्कुल नीचे को खींच दोगे आपकी ग्लू वॉल बिल्कुल ही पास लग जाएगी, आपको क्राउच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाई लोग कमेंट करके बताना कि अगर आपको टू फिंगर का हैंड कैम चाहिए फास्ट ग्लू वॉल का तो मैं वो भी बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। और इसके बाद दो बड़ी वीडियोस आने वाली हैं, एक होगी रोटेशन ड्रैग की, वो मैं आपको हैंड कैम के साथ समझाने वाला हूँ अच्छे से रोटेशन ड्रैग के बारे में, और साथ में आपको वेपन स्विच के बारे में कुछ नॉलेज देने वाला हूँ अच्छे से हैंड कैम के साथ। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर आपका वेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं है तो उसे कर लेना। तो बाय बाय गाइज, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।